हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का स्वागत है देवीसा ज्योति ब्लॉग में। और ये देखिए, देवीसा यहाँ पे चिड़िया को पानी डाल रही है। चिड़िया के जो मटके में हम पानी रखते हैं उसको साफ़ करके वो भर के डाल रही है। अब पौधे में भी पानी डालेगी। वैसे पाइप भी लगा हुआ है, क्यारी में पानी डला हुआ है। अब मैं यहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा सभी कुछ हो गया है, नहाना धोना सभी कुछ हो गया है। मैं सुबह उठ जाती हूँ, 5:30 बजे आजकल उठ जा रही हूँ और गर्मी में। और उठने के बाद सबसे पहले अपने पति देव को नाश्ता बना करके देती हूँ, ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ ताकि जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। तो देखिए, हमारा झाड़ू पोछा और सभी कुछ हो गया, नहाना धोना पूजा भी हो गया है हमारा। यहाँ पे देखिए, ये देवीसा ना अपनी लेकर के आई है टॉप। तो बोल रही थी कि मम्मी पहले इसको ना पानी से निकाल देना तभी पहनूंगी, कि कितने लोगों के हाथ लगता है वहाँ पे। मॉल से लेकर के आई है तो सब लोग जाते हैं तो देखते ही हैं। तो इस वजह से सबसे पहले मैं ये जो नए कपड़े देखी है, हम इसका टैग अपनी दांतों से तोड़ रहे हैं क्योंकि चक्कू लाना भूल गए, तो कैंची से काटना भूल गए, तो मैंने सोचा दांत से ही हम निकाल देते हैं इसको। तो इसका जो टैग वाले जो तार होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो देखिए, ये दो तो टॉप देवीसा के हैं और दो इसके पापा के टी-शर्ट है हाफ लेकर के आए हैं। तो इसको सबको पानी से अच्छे से, मतलब सर्फ थोड़ा सा डाल करके इसको अच्छे से, फिर सर्फ में डाल करके और फिर पानी से खंगालूंगी ताकि जो भी थोड़ा बहुत धूल गर्दा हो इसमें कपड़ों में निकल जाए, क्योंकि धूल गर्दा तो रहता ही है। मॉल में भी जाते हैं तो लोग हाथ से छूते हैं तो गंदा हो ही जाता है। तो इस वजह से देखिए, मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो भी पहले नए कपड़े आते हैं उसको पहले मैं अच्छे से धुल करके ही तभी पहनती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये सारे कपड़े को धो लूँगी और मैं नहा करके आ गई हूँ। नहा करके और मेरा नाश्ता पानी सभी कुछ हो गया है। उसके बाद मैं, अभी धूप नहीं आया है यहाँ नल पे, और बाहर मैं बताती हूँ ना आपको कि मेरे को बाहर कपड़ा धोने में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैसे मैं बचा रही हूँ थोड़े थोड़े करके, ताकि देखिए मशीन में अगर कपड़े मैं डालूँगी तो चाहे कपड़ा कम हो या ज़्यादा, सर्फ तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी का जितना लेवल है उतना मैं तो सर्फ तो डालेंगे तभी साफ़ होगा। तो इस वजह से, और मशीन नहीं चलेगा तो बिजली का भी बचत हो रही है। तो इस वजह से मैं आजकल डेली हाथ से ही धोती हूँ कपड़े, नहा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद चाहे टाइम रहता है तो पहले भी झाड़ू पोछा करने के बाद भी कपड़े जो नहाए हुए सब रहते हैं बच्चों के, जैसे शुभम हो गया और इसके पापा, ये सब नहा लेते हैं, तो उन सब का कपड़े मैं धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा भी कपड़ा रह जाता है नहाए हुए तो मैं इकट्ठे फिर धो लेती हूँ नहाने के बाद ही। यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं होता है कपड़े धोने में, क्योंकि यहाँ पे आराम से बैठ के कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि गीला नहीं होता। बाथरूम में थोड़ा गीला होने का डर रहता है, क्योंकि बाथरूम मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है तो इस वजह से उसमें बनता भी नहीं है, जैसे कपड़े में बुरश वगैरह मारना होता है, जो कपड़े होता है बुरश ज़्यादा, जो गंदे कपड़े होते हैं तो उसमें थोड़ा बुरश मारने के लिए जगह नहीं बनता उसमें। तो इस वजह से मैं बाहर ही कपड़े धोती हूँ इस तरीके से, और अच्छा लगता है बाहर सर्दियों में भी बैठ के अगर धूप आ जाए ना और यहाँ पे कपड़ा धोइए, बहुत अच्छा लगता है। मैं धोती हूँ अक्सर, मशीन पर बहुत कम ही लगाती हूँ, क्योंकि मशीन में मेरा पानी भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और सर्फ के भी बर्बादी होती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही कपड़े धो लूँ। हाथ से धोने से थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सब हो जाता है अपना, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं डेली हाथ से ही कपड़े धो लूँ। लेकिन सर्दियों में सिर्फ चद्दर ही मैं मशीन में डालती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में चद्दर वगैरह ही डालती हूँ, बाकी मैं सब हाथ से धो लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा कपड़ा, सभी कपड़े धुल गए हैं। यहाँ सफ़ेद कपड़े जो हैं, इसके शुभम के पापा का शर्ट है तो इसको मैं नील डाल रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने 3-4 बूंद नील को डाल लिया था पानी में अच्छे से घोल करके, इसको मैं कपड़े को उसमें डाल करके निकाल दी हूँ। देखिए, नील डल गया है कपड़े में, मेरा कपड़ा भी धुल गया है। यहाँ देखिए, साग तोड़ करके मम्मी ना क्यारी में से पानी में डाल दी थी सुबह, तो मैं उसको ना अब अच्छे से धो करके निकाल लूँगी, क्योंकि आज मैं लंच में दाल चावल और चौलाई का साग, जो हरी साग होती है मेरे क्यारी में, बहुत जमते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं। और लाल वाला चौलाई भी अभी बोया हुआ, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, तो ये हरी वाली चौलाई बहुत टेस्टी बनती है। लहसुन प्याज के तड़का लगा के बनाइए, अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज के तड़का भी डाल के बना सकते हैं, तो दाल चावल पे बहुत टेस्टी बनती है और अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है।
और सभी को पसंद है मेरे घर में। शुभम भी खा लेता है, देवीशा, इसके पापा, सभी को ही खाता है। मेरे को भी बहुत पसंद है चौलाई का साग। और देखिए ये कपड़े थोड़े, इस शुभम के पापा के जो कपड़े हैं ना, जो कि ड्यूटी का ड्रेस है, बहुत गंदा हो रखा था नीचे से, तो इसमें थोड़ा सा साबुन मार करके, देखिए ब्रूस इस तरीके से मैं मार लेती हूँ, ताकि जो भी पैंट के मोहरी वगैरह होते हैं, जेब वगैरह के पास जो गंदे होते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं इस तरीके से कपड़े को धो लेती हूँ डेली। और मैं बता रही थी ना कि मैं आज लंच में चौलाई के साग बनाऊंगी और शुभम का मनपसंद छोले बनेगा। तो छोले का रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूं, अपने ब्लॉग में डाली हुई हूं छोले का रेसिपी। तो इसलिए मैं आज चौलाई का साग जो बना रही हूं दाल चावल के साथ, क्योंकि मेरी सासू माँ को नहीं खाना है छोले, और मेरे पतिदेव को भी छोले नहीं खाना है, क्योंकि थोड़ा बाई सब करता है, जो राज में छोले होते हैं बाई करता है, तो इस वजह से उन सबको नहीं खाना है। हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, वो सब सिर्फ शुभम के लिए ही बनता है स्पेशल, इसी को ज़्यादा छोला पसंद है। तो उनके लिए दाल और चावल और चौलाई के साग बनेगा, और फिर रोटी बनेगा लास्ट में। तो देखिए हम किचन में आ गए हैं, वहाँ हमारे कपड़े धुल गए थे, जब तक पानी निकलेगा कपड़े में से, जब तक मैं यहाँ चौलाई को छमक लूँगी। और छोले हमने उबाल लिया है, कुकर खाली करूँगी, उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ाऊँगी, फिर चावल चढ़ेगा, क्योंकि एक कुकर और है तो बहुत बड़ा है 5 लीटर के, तो उसमें बनाने का मन नहीं करता, फिर धोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बड़े वाले कुकर जो है। तो ये 3 लीटर का कुकर है, मैं इसी में सारा काम करती हूँ। तो छोले मैंने सुबह उबाल दिया था, नाश्ता जब बना रही थी उसी टाइम धोधा के मैंने चढ़ा दिया था छोले उबलने के लिए, तो छोले उबल गए हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे प्याज छील के रख लिया है छोले के लिए भी, लहसुन प्याज अदरक सब, तो बाद में मैं उसको काटूंगी। सबसे पहले मैं चौलाई जो साग है, हरी वाली साग, उसको मैं छमक लेती हूँ ताकि ये बन जाएगा, उसके बाद मैं प्याज व्याज काट लूँगी छोले के लिए, तैयारी कर लूँगी। तो फिर इसी कढ़ाई में मैं छोले भी बना लूँगी, और जो कुकर खाली होगा तो फिर उसमें मैं दाल चढ़ा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल थोड़ा तेल डाला है, 1 से 1.5 चम्मच होगा। और उसमें हमने जीरा डाला है, हरी मिर्च कटी हुई डाला है, और प्याज के तड़का लगाया है, प्याज और थोड़ा सा लहसुन के तड़का लगाया है। और देखिए उसमें हमने कटा हुआ साग को डाल दिया है, अभी थोड़ा साग रह गया है काटने के लिए, तो इसको भी मैं काट के डाल दूँगी। देखिए, और आप सब बताइएगा कि आप सब किस तरीके से चौलाई के साग बनाते हैं। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और जो लाल साग जो होता है तो उसमें चना डाल के मैं बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लाल साग भी होगा तो उसकी भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप सबसे, लेकिन अभी हुआ नहीं है, क्यारी में बोया हुआ है, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं चौलाई, ये तो हरी वाली चौलाई ना अपने आप ही जम जाता है, तो जल्दी बड़ा हो जाता है। तो देखिए आज का यही हमारा लंच है, देखिए इधर प्याज ये सब छील रखी हूँ छोले के लिए, इसके शुभम के लिए छोले बनेगा, अगर छोले नहीं बनाऊँगी तो जल्दी चावल नहीं खाता है, रोटी खाता है, तो इसलिए मैं छोले चावल उसके लिए भी बना रही हूँ। तो देखिए इसको ढक देंगे, और बाद में नमक डालेंगे थोड़ा गलने के बाद, नहीं तो अभी थोड़ा साग ज़्यादा है या फिर गलने के बाद कम होता है, तो नमक तेज़ होने का डर रहता है, तो इस वजह से थोड़ा गल जाएगा ढकने के बाद, गल जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं नमक डाल दूंगी चौलाई में। देखिए इधर मैं प्याज काट ले रही हूँ छोले के लिए, तो प्याज काट के तैयारी कर लूँगी, और लहसुन अदरक को भी पीस लूँगी सील पे, और टमाटर को कद्दूकस करती हूँ मैं, मिक्सी में नहीं पीसती हूँ मैं, कद्दूकस करके ही डालती हूँ, और अगर काट के डालूँगी तो उसमें छिलक रह जाते हैं, तो शुभम सब छांट के फेंकते रहता है, तो इस वजह से मैं कद्दूकस कर लेती हूँ टमाटर को। और देखिए यहाँ पर चौलाई हमारी गल गई है, हमने नमक डाल दिया था, और देखिए हमारा चौलाई के साग बन गया है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।